तउुल् मनशौनरजीम बसमरमर रहीम सलाम्ल आला बक़ैतल आज़म इमाम हुसैन आलाम फ़ोर आलमी चैनल करभलाए मुकदसा से इस वक्त आप प्रोग्राम मारफ़त मंतज़र हजल तरजरीफ़ को मुलाजा फ़रमा रहे हैं और हमारी गुफ्तगू का सिलसिला मुन्जी आलम बशरीत हज़रत इमाम मेहदी अजलल्ला शरीफ के अनवान से जारी है और इस प्रोग्राम में कोशिश कर रहे हैं कि तमाम के तमहा तमाम वो आबाद और वो मौजूद जो हजरत इमाम ज़माना अजल्ल शरीफ से मरबूत है उन सब पर गुफगू की जाए और ख़िदमत मैं अर्ज़ करूँ कि आज की इस प्रोग्राम में चूंकि ज़हरा बिल्कुल मुहर्रम के करीब भी है और फिर इंशाल्लाह मौजूद जो है वो मुहर्रम से मुरतब मौजूद पर अगर ज़िंदगी रही तो गुफ्तगु होगी यहाँ पर आज आ, इस प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि गुफ्तगु जो है वो इखलास के उनवान से की जाए कि हम अपने आमाल में और अपने दीन में किस क़दर मुखलस है और किस क़दर हमारी हमारा खलूस है कि हम हजरत से इमाम ज़माना अजल्ला तरजरीफ़ के इंतजार के लिए इंतजार कर रहे हैं और कितने हमारे खुलूस कितना होना चाहिए गैबत इमाम के वक्त यानी जब इमाम के गबत का ज़माना है अलबत मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि यहाँ जब हम इमाम गायब का तस्करा करते हैं और कहते हैं इमाम गायब तो गैबत स्मानी में नहीं है बल्कि गैबत भी ऐसे है जैसे इमाम हाजर यानी इमाम हाज़र और इमाम ग़ायब में कोई फ़र्क नहीं बस चूँकि हदीस में गायब का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ तो हम यह लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो ख़ुद बत इमाम में जो इमाम के गबत का ज़माना है हदीस के से मैं कह रहा हूँ वगरना जो अकीदा है इमाम हाजिर है नाज़िर है लेकिन गैबत इमाम के दौर में जो हमारे फ़रज़ है हमारे अमाल है उसमें किस क़दर हम इंतज़ार में मुखलस है देखे अवला तो सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अखलास जो है वो तमाम के तमाम जितने भी आपके आमाल है उस सब में अखलास जो है वो ज़रूरी है बग़ैर अखलास के कोई शख्स अगर कोई भी अमल कर रहा है बेफायदा है उसका फ़ायदा नहीं है ज़हूर हम जो इन, इमाम के का इंतज़ार कर रहे हैं किस नीयत क्या है हमारी अखलास से जो कर रहे हैं क्या नीयत हमारी क्या है नीयत होनी हदफ होना चाहिए कि हम किस तरीके से इमाम के इसमें जो है वो अखिलास का मुजाहरा हैं अखलास से मुराद यानी हमारे आमा खालिश अखलास का मतलब यानी चीज़ बिल्कुल खालस एलाही के लिए खुदा के लिए जो काम हो उसी में ही आप कहते हैं ये अखलास है इंतज़ार का मकसद हम इमाम का क्यों इंतज़ार कर रहे हैं और इसमें ज़रूरी है अखलास अखलास जैसे हमने अर्ज़ किया कि अखलास से मरा चीज़ जो है वो खालस हो अल्लाह के लिए खालस हो अर्ज़ करूँ कि हम लोग क्यों गैर इमाम का इंतज़ार कर रहे हैं ये सब के लिए ज़रूरी है कि इस चीज़ को समझें क्योंकि ऐसे इंतजार न हो कि हम मकसद क्या है मकसद यही है कि खुदाई मकसद है और जैसे खुदा ने फरमाया कि हम इस ज़मीन को अदल और इंसाफ़ से पुर कर देंगे जैसे और ज़ोर से भरी होगी अदीस में जो वाक़ है अब इमाम जब तशरीफ़ लाएंगे तो गोया के हमारा अखलास यहाँ पर यह है कि खल के खुदा पर हम रहम करने वाले हैं खुद खल के खुदा पर रहम करना ये सले रहमी में ये चीज़ें आ जाती है और ये जो है चूँकि खल के खुदा पर रहम करना ये अजर सवाब है सवाब है इस हमल का तो गोया हमारे इंतज़ार का मकसद ये है कि हम खल के खुदा के ऊपर जो मजालिम इस दौर में हो रहे हैं जुलम हो रहे हैं बरबरीत हो रही है सारा कुछ है जुलम है दीन के नाम पर लोगों को काटा जा रहा है इससे और क्या हम उन लोगों से इजहार बरात करते हैं जो दीन के नाम पर लोगों को काट पीट शुरू कर दें एक ये है कि कोई हर भी दुश्मन है वो तो इस्लाम में और चीज़ है लेकिन किसी के ऊपर अपने दीन को मुसलत करना इसके हम सख्त खिलाफ है और हम क्या ख़िलाफ़ हैं बल्कि कुरान खिलाफ है लाफि दीन दीन में कोई जबर ही नहीं कर सकता कोई किसी के ऊपर तो गोया हम जो है वो महज मुसलमान नहीं बल्कि कोई भी मज़लूम हो दुनिया का उस पर सिले रहमी रखते हैं इसी वजह से इमाम के ज़हूर के इंतज़ार में जब इमाम ज़हूर फरमाएंगे तो उस वक्त क्या हो जाएगा ये लोग जो है जालिम सरनिगुन हो जाएगा जालिम अपने कैफर किरदार तक पहुँच जाएगा और मजलूम जो है वह अपनी वो उस म से उसको निजात हासिल हो जाए ये ूर के मकासद में है क्या अकली यह अकली इंतज़ार नहीं है कोई भी जयाकल आदमी हो वो कहेगा जी बिल्कुल ये जो है वो अकली इंतज़ार है हम इस वजह से इंतज़ार कर रहे हैं खल के खुदा के ऊपर जो मज़ालिम का सिलसिला है वो रुक जाएगा चूँकि जैसे अल्लाह जो है वो शाद है उसके रसूल भी शाद है वही के मुताबिक गुफ्तगु फरमाते हैं उन्होंने फ़रमाया कि इनकी तवसुत से इमाम मेहदी अजल्ला हो शरीफ की तवसत से पूरे दुनिया को अदल और इंसाफ से पुर कर दिया जाएगा ये सुन्नी और शिया दोनों के कुतुब में मौजूद है कि इमाम महदी जब तशरीफ लाएँगे बादशाहत उसकी होगी तो उस वक्त जो है वो पूरे दुनिया को इस हुकुमरान की जो खुदाई हुकुमरान होगा इसकी हुकूमत वाक़ हो जाएगी और वो जितना जितनी ये दुनिया का जो वक्त जो गुजर चुका है दुनिया का सबसे बेहतरीन वक्त वही होगा जब उस हाकिम का जो अल्लाह की तरफ से हाकिम होगा वो वहाँ पर काय मकाम हो जाए तमाम के तमाम हुक्काम का ख़त्म खात्मा हो जाएगा एक हाकिम जो अल्लाह की तरफ से हाकिम होगा इमाम असर फरजहु शरीफ चूँकि खुदा जो है उसकी तवसुत से उसकी उसके वास्ते से पूरे दुनिया को अदल और इंसाफ़ से भर देंगे पूरे दुनिया में अदल का अदल और इंसाफ़ का भोल बाला हो जाएगा और जो जालिम है वो किफर किरदार तक पहुंच जाएंगे ख़ात्मा हो जाएगा उनका कोई शख्स किसी के ऊपर जुल्म नहीं कर सकेगा रिवायत में यह वारद है कि अगर कोई ख़ातून इराक से लेकर शाम की तरफ चली जाए और पूरे जेवर के साथ चली जाए यानी उनके जेवर से मज़ाइन होके जैसे पूरे जेवर उनके ऊपर लगे हुए हो सोना चांदी जवाहरात अगर वो शाम से यानी इराक़ से अकेली शाम तक चली जाए उसको कोई उनके रस्ते में कोई हायल नहीं होगा कोई शख्स नहीं मिलेगा जो राहजन नहीं होगा कोई शख्स के उसके उससे कोई उनको कोई ख़तरा लाक हो जाए ना उसके इज्जत का खतरा होगा ना उसके माल दौलत का खतरा होगा यह है यानी हज़रत इमाम ज़माना आज शरीफ़ का दौर ये दौर है कि जहां इराक़ से निकलती हुई खातून शाम तक पहुंच जाए लेकिन उसको कोई ख़तरा लाक ना हो जाए ना माली ख़तरा ना इज्जत का खतरा ना जानी ख़तरा और रिवायत में ये भी मिलता है कि अगर शेर और बकरी या भेड़िया खूनखार जानवर भेड़िया या शेर वो अगर एक बकरी और भेड़िया एक घाट में भी पानी पिए भेड़िया जो है उसकी जुरत नहीं है कि वो जाके उसके ऊपर हमला कर दे क्योंकि ये उसका लुकमा नहीं है उसका लुकमा ये नहीं है ये नहीं कर सकता यानी गोया अदल और इंसाफ इस कदर है कि ये ये एक तशबी है कि भेड़िया भी डर रहा है कि अगर मैं ये हमला कर दूं साहेबान की हुकूमत है आज तरजरीफ साहेबान की हुकूमत है और ये हुकूमत जो है वो इस कदर अदालत के इस कदर अदालत है इस हुकूमत में अगर मैं ये जुल्म कर दूँ कि फिर किरदार तक पहुँचा देगा मुझे मुझे सज़ा मिलनी है आज जो जालिम है वो जो जुल्म कर रहा है इस नीयत से कर रहा है कि मैं जालिम हूँ कोई मुझे मेरे ऊपर कोई मुसलत नहीं हो सकता मैं ज़ालिम हूँ और अपने आप को छोड़ा लूँगा अगर फंस भी गया तो छूट जाऊँगा इस नीयत से जुल्म कर रहा है आज आप खबरों को आप देखें आप छोटे छोटे बच्चों के साथ लोग कर रहे हैं काट रहे हैं कत्ल कर रहे हैं क्या कुछ नहीं हो रहा लेकिन यह है कि वो इस नीयत से जुल्म कर रहा है कि मैं बच जाऊंगा तो उस साहिब व ज़बान की जो हुकूमत होगी उसमें कोई बच नहीं सकता वो किफर किरदार उसका जो भी जालिम है जालिम उसका जो बनेगा वो उसको ज़रूर मिलेगा यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक इनशा खलूस और खलूस नीयत और साहब व ज़माना जलल्ला तरज व शरीफ के इंतज़ार के केनवान से इन आज गुफ्तू करेंगे यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक प्रोग्राम के नेक्स्ट सेगमेंट में हाजिर खिदमत रहेंगे इस वक्त आप प्रोग्राम मारफत मनतर अजलल्ला फरजुशरीफ़ को मुलाजा फरमा रहे हैं और हमारी गुफ्तु गु। मुंजी आलम बशरीत हजरत इमाम ज़माना अजलल्ला तरजुशरीफ़ के नवान से है और ख़ुद गैबत इमाम में अखलास के साथ हज़रत की हूर के लिए इंतज़ार हमने अर्ज़ किया कि सबसे पहले फ़लसफा और अखलास जो कि हम हर अपने अमल को खुलूस मुराद यानी अपने अमल को खालिस बनाना अल्लाह के लिए अल्लाह के लिए यानि हर अमल को अल्लाह के लिए खालिस बनाना कि इससे मुराद जो है वो अमल अखलास है बल्कि मैं यहाँ अर्ज़ करूँ कि अगर हम अपने हर चीज़ को अल्लाह के साथ गिरा दे दें उनके अखलास के साथ तो हमारा हर काम जो है वो खैर का ही होगा जैसे इंसान खाना पीना अगर कर रहा है तो इस नीयत से खाना पीना हो कि मैं खाऊंगा तो अल्लाह की इबादत कर सकूंगा जैसे में ताकत आ जाएगी अगर इंसान वर्जिश कर रहा है तो वर्जिश की भी यही नीयत करे कि इससे मैं बीमार नहीं होऊंगा और बेहतर तरीके से अल्लाह की इबादत कर सकूंगा। अल्लाह के लिए अगर कोई भी काम कर रहा है चाहे वो आ, किसी भी कोई भी काम कर रहा है जिससे उसको वह पैसे उसको मिल रहे हैं काम कर रहा है चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो अगर नीयत ये है कि ये जो है मैं हलाल का पैसा कमाऊँगा और हलाल खाऊँगा और अपने बच्चों को भी हलाल खिलाऊँगा और जिससे हम जो है वो अल्लाह के नेक बंदे बन सके तो गोया ये भी जो है वो सवाब का काम है खुलूस का मतलब ये है कि अपने अमल को अल्लाह के लिए ख़ास कर देना और जो अल्लाह के अलावा हो बसावकात वो फिर आ, उसमें जो है जब दूसरा शरीक हो जाए तो अमल ख़त्म हो जाता है जैसे नमाज इंसान है अगर अल्लाह के लिए पढ़ रहा है कि अल्लाह का हुक्म है और मैं पढ़ रहा हूँ तो यकीन सवाब है लेकिन अगर इसमें रया शामिल हो गई फिर क्या करेगा रया के शमूलियत जो हो गई सवाब जो है वो जायल हो जाता है मकसद तक इंसान नहीं पहुँच सकता रोज़ा है अगर इंसान रोज़ा अल्लाह के लिए रख रहा है तो ठीक है लेकिन अगर कोई और चीज़ इसमें हायल हो गई एक तो यह कि इंसान रोज़ा इस वजह से रख रह रहा है कि लोग कहेंगे अच्छा आदमी है सवाब फिर भी ख़त्म लेकिन बस अवकात ये भी हो सकता है कि इंसान अगर रोज़ा रख रहा है इस नियत से कि कुछ मेरा वेट भी कम हो जाए अल्लाह के सम फिर भी यानी यह भी मसला जो है थोड़ा मशकूक हो जाएगा या तो ये हो जाएगा कि अमल जो सवाब है उसमें कमी आ जाएगी या बिल्कुल ख़त्म यानी इंसान इस नीयत से ये रोज़ा न रखे कि मैं अपने वेट को कम कर रहा हूँ इससे बल्कि इस नीयत से रखे कि मैं अल्लाह के लिए अल्लाह का हुक्म है वेट तो आप किसी भी चीज़ से कर, कम कर सकते हैं जाके वर्जिश करे कम कर लोगे जाके कोई एक मेडिसन से भी लोग कम कर रहे हैं आजकल तो इंसान अगर रोज़ा रख रहा है अल्लाह के लिए रखे रोज़े को रोज़ा अल्लाह के लिए रख रहा हूँ उसका हुक्म है कुतबा कुत्ते सयाम और अल्लाह ने हमारे ऊपर रोज़ों को फ़र्ज़ कर दिया है बस हम रख रहे हैं नमाज जो है फरमाया वाकह इस नीयत से ना हो कि मैं ये नमाज़ पढ़ रहा हूँ मैं किसी किसी के घुटनों में तकलीफ़ है तो वो कहे ये नमाज पढ़ रहा हूँ इससे घुटनू की तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी बस इसमें आपने वो आ, इसके सवाब को आपने या तो कम कर दिया या फिर मुकम्मल तौर पर आपने शवाब को ही ख़त्म कर दिया अमल को फोत कर दिया तमाम कर दिया तो हमारे हर चीज़ का यही वो होना चाहिए कि इसमें सिर्फ मक़सद जो है वो जाते-बारी ऐली है अल्लाह के लिए ये काम हम इस तरीके से कर रहे हैं तो यकीन आजर षवाब है और ये शख्स जो है वो सवाब का मुस्तहक है हमारी नीयत जो है वो ऐसी होनी चाहिए ये तरीक़ा है अगर ये है कि हम किसी और, और तरीक़े से ये काम कर रहे हैं तो यकीन हमारे उस अमल का सवाब जो है उसमें कमी वाक़ होगी और ये हमारे लिए उस तरीक़े का फ़ायदेमंद नहीं होगा जैसे होना चाहिए तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे अंदर खलूस का होना ज़रूरी है कि हम किस क़दर जो है वो खलूस करें जहूर हजरत ज़माना अजल्ला शरीफ जो कि एक ऐसा अमल है एक ऐसी चीज़ है कि यकीनन इसके इसके लिए भी यकीन ज़रूरी है कि हमारे पास कोई ना कोई किसी मक़सद के तहत हम ये कर रहे हैं जैसे पहले प्रोग्राम के इब्तई सेगमेंट में मैंने अर्ज़ कर दिया कि सबसे बड़ी चीज़ इसकी ये है कि इंसान इस नीयत से अगर इंतज़ार कर रहा है कि मैं खल के खुदा पर रहम हो जाए सले के जुमरे में ये चीज़ें आ जाएगी और इससे फ़ायदा क्या होगा फ़ायदा ये हो जाएगा कि ये शख़्स जो है जो कि अल्लाह के अल्लाह के ख़ल के ऊपर रहम करने वाला है तो इससे जो है यकीन सवाब में लगे चूँकि अल्लाह के ख़ल के ऊपर रहम करना भी गोया अल्लाह के लिए आप ये काम कर रहे हैं तो बस सवाब है गोया मैं ये कह दूँ आपकी ख़िदमत में कि इंसान के अंदर अगर सिल रहमी खुद उस शख़्स के ऊपर तो अपनी बात है लेकिन अगर ये सुनवान से भी एक शख़्स रहमी कर रहा है कि ये जो है ख़ल के खुदा को बचा रहा है तो वो शख्स जो है यकीन यकीन उसके ने खैर का अमल कर लिया तो ख़ुद हमारे अगर नीयत यह है कि साहेब व ज़मान अजल्ला तर जहुलशरीफ़ ूर फरमाए और ख़ल के खुदा के ऊपर रहम आ जाए तो ये हो सकता है जैसे कोरोना के दौर में ये मैं अर्ज कर रहा हूँ कि करोना के दौर में कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि चूँकि दुनिया की तैदाद को उन्होंने कम करना था कुछ ज़ाल मनासर ने तो उन्होंने इस कोरोना के वायरस को वो कर दिया था जिससे लोग मर रहे थे अर्ज़ करूं कि जिस अल्लाह ने खल को पैदा कर लिया तो उसके लिए दाना देना भी उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है वो दे सकता है अगर वो है तो वो उसको ख़ुराक भी दे सकता है उसके लिए अल्लाह हर चीज़ पर कादर है तो ज़ाल म की ये इंतहा नहीं होनी चाहिए बल्कि अल्लाह के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि अल्लाह जो है वो देने वाली यही हमारे आजकल के दौर से बात चीन से निकलती है दो जुमले मैं अर्ज़ कर रहा हूँ फिर दूसरे मकसद की तरफ वो ये है कि बाज़ लोग जैसे मसलन बच्चे कम पैदा करते हैं बच्चों की मनसूबा बंदी करते हैं या वो कि बच्चे ज़्यादा इनको फिर हम खाना नहीं खिला सकेंगे इनकी तरबियत नहीं कर सकते ख़िदमत में अर्ज़ करूँ कि वो अल्लाह जो जो ये ये क़वत दे सकता है कि बच्चे हो जाए वो उसको खाने पर भी क़दर है वो उसको दे भी सकता है तो कती तौर पर हमारी ये कम अज़ कम हमारे ममिन की ये सोच नहीं होनी चाहिए कि अगर हम ये करेंगे तो कम होंगे तो फिर हमारे हालात अच्छे होंगे नहीं ये चीज़ ग़लत है दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि उनके उनके पास पैसों की बहुत ज़्यादा वो है बहुत ज़्यादा पैसे हैं उनके खाने वाला कोई नहीं है कि वो कोई खा सके उनके साथ पुश्तों के लिए काफ़ी है लेकिन खाने वाला कोई नहीं है या अल्लाह के अपने अपने सिलसिले है और ये ऐसे लोग भी हैं कि जिनके फिर पैसे कम पड़ जाते हैं लोग ज़्यादा होते हैं खाने वाले नहीं ये चीज़ें आप छोड़ें इस पर ना सोचें यह अल्लाह के इम्तहान है आपको उसने कैसे रखना है वो उसकी अपनी मंशा है आप कती तौर पर इस चीज़ की तरफ न सोचें तो रहमी हल के खुदा के ऊपर गैबत इमाम में अगर इस नीयत से कोई ये कर रहा है कि खुद खल के ऊपर रहम आ जाएगा तो ये हायत ही आ, यह मक़द जो है वो मुक़दस मकसद है एक और अहम मकसद जो कि यकीन ज़रूरी है लाजमी है कि इस तरीक़े से कुरान में ज़ात बार ताला है कि हम दीन इस्लाम को तमाम आदीन के ऊपर गालिब कर देंगे और आज के दौर में आप ग़ौर फरमा रहे हैं कि दीन इस्लाम का ग़लबा मुकम्मल तौर पर नहीं है दूसरे अधियान भी है बल्कि मसीहियत का गलबा दूसरे अदियान पे है गलबा है और यहूदियत भी है दूसरे मजाबी भी। इस्लाम का गलबा जो है वो मुकम्मल तौर पे नहीं हुआ अवालम तो ख़ुद इस्लाम के अंदर बड़ी बात है कि ख़ुद रसूलुल्लाह की हदीस है कि कितने लोग बहुत कम लोग जो है वो एक फ़िरका जो है उसमें से जन्नत में जाने वाला है मुसलमानों में भी से और बहत्तर फ़िरक़े जो है जहन्नम में जाने वाले हैं इस किस्म के हादी अलबतः कि यह हदीस ज़्यादा मुस्तनद हदीस नहीं है लेकिन तवाुर के हद तक चूँकि जा चुकी है तो इस हदीस को माना जा सकता है कि तेहत्तर फ़िरक़े होंगे और उसमें से बहत्तर फिनार हो जाएंगे एक फ़िरका बेहिशत का फ़िरका होगा जन्नत में जाने वाला फ़िरका होगा तो खुद अर्ज करूं कि मुसलमानों में भी किस क़दर मुसलमान है वो शख्स किस कदर वो इस्लाम के ऊपर मजबूत है सिर्फ नाम का इस्लाम नाम का मुसलमान है या वाक इस्लाम से कुछ उसको मिला भी है इस्लाम से कुछ हासिल भी उसको हो रहा है या ये शख्स जो है वो कोई नाम का मुसलमान है चूँकि सिर्फ मुसलमान नाम तो काफ़ी नहीं है ना मुसलमान पक्का मुसलमान होना चाहिए अमाल के एतबार से मुसलमान होना चाहिए तो अब वो जो मुसलमान का जो इस्लाम का कुछ ना कुछ गलबा है भी बात जगहों पर वो भी किस कदर मुसलमान है खुदा जाने अखलास के हद तक मुसलमान यकीन सब मुसलमान नहीं होंगे चूंकि आप खुद देख रहे हैं लोग मुसलमान किस कदर जनायात कर रहे हैं नाम में मुसलमान मुसलमान जनायात नहीं करता मुसलमान तो ये है कि जो मुसलमान होगा वो तो ऐसा होगा कि उसकी जबान से उसके हाथ से दूसरे मुसलमान फ्स होगा उसको अमन होगी यानी मुसलमान जो है हाथ से यानी किसी का माल खाने वाला नहीं होगा चीज जाएगी कि वो किसी को कत्ल कर दे ये नहीं हो सकता जबान से भी हेफ्स होगा वो जबान उसकी गैबत गिबत ही नहीं करेगा जो जो गैबत है किसी एक दूसरे मुसलमान की वो भी नहीं करेगा या क्यों नहीं करेगा तो आर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में मुसलमान का दर्जा तो यह है कि उसकी ज़बान और हाथ से किसी को तकलीफ़ नहीं होगी ये मुसलमान का मकाम है बहरहाल ये जो मुसलमान हैं उनके आप ख़ुद देख सकते हैं कि किस कदर ये जालिम है किस कदर ये जाबिर है किस कदर इन लोगों की आ, ये लोग जुल्म करते हैं इंसानियत के ऊपर जुल्म करने वाले हैं तो वो अपनी जगह पे अब ये है कि इस्लाम की हम चूँकि सरबुलंदी चाहते हैं और फरमाया कि जब हज़रत मेहदी अजल्ला शरीफ़ की हुकूमत होगी तो इस्लाम जो है वो तमाम आदीन पे गालिब हो जाएगा अब यहाँ पर एक तफसीर मैं बयान करूँ बाज़ रवायात में जो मौजूद है बाज लोगों ने गलत चीज़ इससे ले ली उन्होंने कहा कि इमाम जब आएंगे तो जो शख्स मसी होगा मसी मतलब ईसाई मज़हब से ताल्लुक होगा इमाम उसका सरकलम करेंगे ये दुश्मनान अहलवैत की एक चाल है जो कर रहे हैं इमाम मसल आएंगे यहूदी होगा उसका सर काट देगा ईसाई होगा उसका सर काट देगा हिंदू होगा उसका सर काट देगा ये बिल्कुल गलत है बिल्कुल गलत है बल्कि इमाम ज़माना अजल्ला तरज व शरीफ की हुकूमत एन ही हुकूमत अमीर अमोमिन आसात सलाम की तरह होगी जो कि कोफे में कायम हुई थी और वहाँ पर कोफे में बहुत सारे लोग थे ख़ुद रसूल्ला के जो जहाँ पर उन्होंने मदीना के ऊपर कब्जा कर लिया था यानी पूरे गालिब हो गए थे मुसलमान मदीना के ऊपर तो मदीना में रहने वाले लोग ऐसे भी थे कि जो गैर मुस्लिम थे रसूलुल्लाह के कलमे के मुनकर थे रसूलुल्लाह ने तो किसी को नहीं पकड़ा कि उसका सर काट दिया हो नहीं किया और इस तरह अमीरमोमनी के हुकूमत में जो कि फिर वसत पैदा हो गई थी बहुत सारे इलाकों में ऐसे लोग थे कि जहाँ पर दूसरे लोग रहते थे हज़रत अमीर अमौमीनी ने किसी को कुछ नहीं कहा तो दिन यही शान और शौकत हजरत इमाम जमान की भी होगी कि उस जमाने में दूसरे मजहब के लोग होंगे इमाम ने जो लोगों को मारना है कत्ल करना है वो सिर्फ है किसी भी दीन का हो कोई फर्क नहीं है वो ज़ालिम चाहे अपने आप को शिया कहने वाला ालिम है ालिम है शिया है जुलम कर रहा है कत्ल हो जाएगा मुसलमान है जालिम है कत्ल हो जाएगा उसके ऊपर अगर कोई कोई भी जालिम है किसी भी दीन का है इमाम उनको अपने किफर करदार तक पहुंचा देंगे लेकिन अगर कोई शख्स जालिम नहीं है बेशक काफिर है लेकिन जालिम नहीं है इमाम उस शख्स को कत्ल नहीं करेंगे ये कुरान के ऐन ही यह चीज़ साबित है कि दीन में आपने किसी के ऊपर जुल्म नहीं करना है हाँ फिर बाद में रवायात में है कि जब वो इमाम के अखलाक देखेंगे इमाम की ज़ाहिर है कि वदल और इंसाफ को देखेंगे तो ये सब चीज़ें देखने के बाद ज़ाहिर की बात है कि इमाम की जब अखलाफ़ को मुलहजा करेंगे तो वो खुद ब खुद दीन इस्लाम की तरफ राग़ब हो जाएंगे फिर वो इस्लाम को कबूल कर लेंगे ये रवायात में मिलता है लेकिन इमाम किसी को शमशीर के बलबूते पर तलवार के बलबूते पर उनके ऊपर र के नवूजिल्ला के इमाम से ये चीज़ें दूर हैं मासूम है इमाम वो कभी भी इस किस्म की कोई चीज़ नहीं होगी आप जैसा हम जैसे लोग हमारे माशरों में कोई एक हिंदू है कोई भी रहने वाला शख्स है गैर मुस्लिम हम उनके ऊपर जुल्म करते हैं नहीं करते जब हम जैसे लोग उसके हाल के ऊपर रहम करते हैं तो इमाम तो उम्मत के लिए ऐसे हैं जैसे शफीक बाप हो बाप हो यानी वाल शफीक वालद शफीक शफीक बाप से एक ऐसा वालद जो शफीक वाल उससे तस्वीर दी गई है इमाम कैसे किसी के ऊपर जुलम कर सकते हैं कभी क्या हो सकता है नहीं हो सकता है यकीन हम जैसे लोग अपने माशरों में लोगों को बर्दाश्त करते हैं कोई मसला भी नहीं है तो इमाम की जो जगह है वो बहुत ही ऊपर है उसको कोई सोच नहीं सकता तो इमाम का मकाम जो है वो इस कदर है इस ये इमाम का मकाम है कि इमाम किसी के ऊपर कोई जुल्म तो उसकी शान के ख़िलाफ़ है तो हम लोग अगर इमाम का इंतज़ार कर रहे हैं उसकी मकसद उसका यही है कि हम दर हकीकत दीन इस्लाम अल्लाह के दीन की दीन अल्लाह खुदा की दीन की सरबुलंदी चाहते हैं और चूंकि दीन की सरबुलंदी चाहते हैं तो इमाम के ऊूर के मुंतज़र है देखें अगर हम लोग अब अब यहाँ से खुद हमारा क्या किरदार है किरदार हमारा कितना बुलंद है कि हमारे किरदार को लोग देख के मुसलमान हो जाए क्या हो सकता है किस कदर हमारी किरद हमारे लेकिन जब खुदाई खलीफा है अल्लाह की तरफ से खलीफा है यकीन है उसका किरदार भी बुलंद होगा लोग उनको देख के इस्लाम कबूल कर लेंगे बल्कि इमाम को तो आप छोड़े अगर कोई अब साल है उसके चेहरे को भी लोग देख के मुसलमान का मुसलमान हो जाते हैं उसका किरदार देख के लोग मुसलमान होते हैं यह अल्लाह का नूर है अल्लाह का नूर है कि उसकी ज़ाती शख्सियत को लोग देख के इस्लाम कबूल कर लेते हैं आपने बहुत सारे बुज़ुर्गान के किस्से आप सुनते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जहाँ पर कितने लोग जाके मुसलमान हो गए हैं कितने लोग मुसलमान हो गए यानी हती ये मिलता है बाद उसमें कि हती इस्लाम यानी ख़ुद सरजमीन सिंध पर ये मैं बात कर रहा हूँ सरजमीन सिंध पर पाकिस्तान सिंध में एक भी मुसलमान नहीं था एक भी मुसलमान नहीं था ये कौन इनको मुसलमान कर गया ये यही अल्लाह के वली थे अल्लाह के वली और ये बुज़ुर्गान दीन सादात थे दीन थे उन्होंने जाके उनको उनके उनको लोग उनके किरदार को देख देख के लोग जो है वो दीन इस्लाम की तरफ चले गए आप खुद अंदाज़ा लगाएं आप ये अंदाज़ा लगाएं कि चलो आज अगर जज़ी अरब में कोई लोग जो है मुसलमान है तो यहाँ पर आए मतार अलम सलाम आए बहुत सारे एक सिलसिला रहा लेकिन आप ये बताएं कि पाक व हिंद में ये चीज़ नहीं है वहाँ पर कोई इमाम आए हैं कोई मिलता है कुछ आसार ज़रूर मिलते हैं मसा ये कदम गए अमीरमिन के सौ बिल मिया ये चीज़ नहीं है सौ फ़ीसद इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं दे सकता कि ये वाक़ा न अमीरमोमिन यहाँ आए होंगे सही है लेकिन उसके बावजूद भी और तारीख़ में भी ऐसा कोई सब नहीं है कि अमीर अमोमिन मैसे हिंदुस्तान की किसी या हिंदुस्तान जब मिले पाक व पाक व हिंद यानी बर सग़ीर पाक व हिंद वहाँ पर कोई ऐसा ऐसा कोई तारीख़ में नहीं मिलता क्यों इतने लोग मुसलमान हो गए वजह सवाल है तो ये वही सालेहीन लोग जो वहाँ गए हैं वहाँ से लोग मुसलमान हो गए शिया हो गए हत्ता शिया हो गए तो सरजमीने सिंध जो कि आजकल पाकिस्तान में वाक़ है कितने लोग वहाँ पर शिया हो गए कितने लोग वहाँ पर शिया हो गए कि आज शिया बहुत बड़ी ताकत है खुद सरजमीने थ के ऊपर ताकत है किन की ये बदौलत सालेहीन साला और अल्लाह के वाली उनके लोगों के चेहरे देख देख के उनके चेहरे देख देख के लोग उनके किरदार को देख देख के लोग जो है वो मुसलमान होते गए आज आप बताएं कि आज के दौर में किस कदर है कौन है ऐसे लोग जिनके लोग चेहरे देख के और किरदार देख के लोग मुसलमान हो जाए यकीन कम है आजाय सैद शहादा सलाम हमारे लिए इसको देख के लोग बहुत सारे लोग मुसलमान या शिया हो जाते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं तो एक अबद साल एक ऐसा शख्स जो खुदा के दीन की तरफ रगबत करने वाला हो अल्लाह के दीन का सच्चा नुमाइंदा हो उसको लोग देख के मुसलमान हुआ करते हैं तो हम चाहते हैं कि हम में से सबसे बड़ा साहिब किरदार हज़रत इमाम ज़माना अजल्ला शरीफ़ वो तशरीफ़ ला उसके किरदार को लोग दे इस्लाम की तरफ लोग आ जाए हमारा हमारी ये तमन्ना है खुदाई खुदाई खलीफा को दे के लोग मुसलमान की तरफ इस्लाम की तरफ रगबत कर लें यानी खुद जनाब रसूल इस्लाम सल्हही के जब उन्होंने सिलसिले दावत दावत इस्लामी शुरू कर लिया था मक्का से तो वहाँ अबू जहल और अबू लहब और इस किस्म के लोग वहाँ पर जो जो कुफार मक्का थे वो लोगों को रोकते थे, थे कि ये मोहम्मद की बातें ना सुनो तो लोग ये कह देते थे कि हम मोहम्मद की बातें सल्लल्लाहु अलैहि ही की बातें सिर्फ़ सुनना चाहते हैं कोई इस्लाम थोड़ी ना लेके आ जाएंगे तो वो कह देते थे नहीं वहाँ जाना ही नहीं है क्यों डरते थे उनको पता था वहाँ जो जाएगा वहाँ पर जाएगा क्योंकि इस क़दर साहेब किरदार है इस क़दर उनकी ज़बान की तसीर है चेहरे में इस क़दर उसकी उसकी वो जल्द है कि लोग जो है इस्लाम को कबूल कर लेंगे इस्लाम को कबूल कर लें ज़रूरत है साहेब किरदार की और साहिब किरदार कौन है आज के इस दौर में यकीन हज़रत रसाल इमाम सल्ला के बारव जानशीन फर्जंद रसूल फ़र्जंद अली वजहरा सलाम्लम हज़रत इमाम मेहदी मऊद अजल्लु शरीफ है कि हम आज इंतज़ार में हैं कि वो साहिब किरदार आ जाए लोग देख उनको देख के दीन हकीकी इस्लाम की तरफ रगबत कर ले और मुसलमान हो जाए ये हमारी ख्वाहिश है अब आप मैं सवाल करता हूँ दुश्मनान अहल वैत से कि ये क्या माकूल अमल नहीं है कि हम किसी एक ऐसे शख्स के इंतज़ार कर रहे हैं कि जब वो तशरीफ लाए लोग दीन की तरफ रागब हो जाए तेरी वजह से दीन की तरफ लोग रागब होंगे तो कोई शक्ल अपनी देखी है वो बकौल इसके के शक्ल जो है वो है लोगों की जो आप दीन तेरी वजह से लोग दीन की तरफ रागब होंगे अजीब व गरीब शक्ल का ये शख्स ये दुश्मन अहलवैत ये ये सोच रहा है कि मेरी वजह से लोग दीन की तरफ रागब हो जाएंगे तेरी वजह से लोग दीन से फ़रार अख्तियार करते हैं यानी इस कदर बाज़ ऐसे नस चेहरे होते हैं नस चेहरे नस किस्म के चेहरे होते हैं कि लोग दीन से फरार करना शुरू हो जाते है। कहते हैं अगर ये दीन हो तो इस दीन से हम काफिर बेहतर है तो भाई, भाई हमारी यही है कि हम अल्लाह के नुमाइंदे के मंतजर है ये शख़्स जिसका एक पांचा जो है ऊपर है एक पांचा नीचे है दाढ़ी बनाई हुई है ऐसी अजीब और गरीब किस्म की दाढ़ी है कि जैसे इंसान जो है वो एक जंगल से आया हुआ हो और सालहा वहाँ पर रहा हो अजीब और गरीब कैफियत है बाल ऐसे अजीब अजीब और गरीब हालत में है और अजीब तरीके से ये है और बंदूक जो है वह उसने कंधे पर रखा हुआ है और इस तरीके से जैसे कोई आदा आदम खोर जो है वो कि जंगल से निकला है लोगों को खाने के लिए तुझे देख के लोग इस्लाम की तरफ रागब हो जाएंगे तेरा किरदार वशी तेरा गुफ्तार तुझे बोलने का ही ढंग नहीं है बोलने का ढंग ही नहीं है तुझे अमल भी खराब है तो जाहिर सी बात है कि इस दुश्मन अहलैत इससे कोई लोग इस्लाम की तरफ रागब हो जाएंगे यकीन नहीं होंगे ये वहशी है लोग बल्कि हमें जिस नुमाइंदी की ज़रूरत है वो है हज़रत इमाम हमें अल्लाह की नुमाइंदी के इंतज़ार में है अल्लाह अल्ला के अल्लाह के नुमाइंदे के इंतज़ार में हम हैं कि वो तशरीफ लाएँगे और इमाम की किरदार इमाम के किरदार को लोग देखें मुसलमान हो जाएंगे और दीन इस्लाम सर बुलंद होगा यानि दीन एलि की हम सरफराजी चाहते हैं दीन एलाही के हम बुलंद देखना चाहते हैं परचम इलाही को बुलंद देखना चाहते हैं तो हम इमाम ज़माना फरजहु शरीफ़ के मुंतर हैं अक़ल के मुताबिक है ये इखलास और खुलूस ये चीज़ है ये है इखलास और खुलूस अल्लाह के मखलूक के ऊपर रहमी अल्लाह के मखलूक़ के ऊपर सिला रहमी आज कल के दौर में मुख्तलिफ आप देखते हैं कि इंसान की किस कदर इंसान मज़लूम है वहाँ इंसान की सले रहमी और अल्लाह के दीन की बुलंदी ये हमारे मकसद होने चाहिए इमाम ज़माना जल ला शरीफ़ की जहूर के लिए कि इमाम इस वजह से दीन इस्लाम का असल में सरबुलंदी हो जाए हमें दीन इस्लाम चाहिए कि सरबुलंद हो जाए और जो नीयत ऐसी है तो है के नमलामाल में नियत नीयत का दारो मदार जो है, अम, अमल का दार नियत नीयत के ऊपर है तो हम अगर ये अमल इंतज़ार कर रहे हैं तो इसके पूछते इसके पस मंज़र कुछ चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से हम इंतज़ार कर रहे हैं तो ये हमारे जहन में हो कि इंतज़ार जो है वो किस कदर है किस कदर हम क्या कुछ कर सकते हैं अब यहाँ पर दीन इस्लाम की सरबुलंदी खल के खुदा के ऊपर रहम खल के खुदा की रहनुमाई यानी रहम भी हम इस वजह से कर रहे हैं कि ज़ाहिर है कि हमें पसंद नहीं है कि खल के ख़ुदा जो है वो जहन्नम में चले जाए गुमराह हो जाए खलीफ़तल्ला जहूर फरमाएंगे तो लोगों की आ, सही महीने में सही मानों में लोगों की हिदायत हो जाएगी तो ये सब वो चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से हम इंतज़ार कर रहे हैं अखलास का मुजाहरा कर रहे हैं इसी चीज़ को कि अपने अमल को अखलास खालिस बनाना यानी अल्लाह के लिए खालिस बनाना ये वो है ये वो चीज़ें हैं कि जहाँ से इंसान कामयाबियों तक पहुँचता है तो हमारा मकसद जो है वो इंतज़ार का ये होना चाहिए कि इंतज़ार से ये कुछ होगा ये सबसे बड़ी चीज़ और अगली जो हमारा एक मकसद होना चाहिए जहाँ हम बहस रजअत और अकीद रजअत पे हैं वो ये है कि ख़ुद इमाम का इंतज़ार कर रहे हैं कि हत उन लोगों को भी इंसाफ मिल सके कि जो पुराने पहले ज़माने में जो जिनके साथ जुल्म हो चुके हैं उनको भी इंसाफ मिल सके जाहिर सी बात है कि दिल की ठंडक उस वक्त इंसान को हासिल होती है अक़ल का तकाज़ा है अक़ल का तकाज़ा है कि दिल को ठंडक उस वक़्त हासिल होती है जब आपके सामने आपके दुश्मन को खड़ा करके उनको एदाम कर दिया जाए उनके ऊपर जो है हद जारी की जाए दिल को एक ठंडक होती है इससे ये तो इंसानियत की बात है बाज लोग बड़े मुल्ला बन जाते हैं वो कहते हैं नहीं ये छोड़ दीजिएगा माफ़ कर दे, ठीक है वो माफ़ी तो अपनी जगह पर है तो आप अपने दिल के ऊपर पत्थर रख के माफ़ कर दे किसी को तो ये तो अजर अजीम है लेकिन असल इंसानियत की जो फितरत यह है कि अगर आपके आपका भाई मसला कोई शख्स आपके भाई को कतल कर ले आपके दिल को ठंडक उस वक़्त होगी जब उसको खड़ा करके वो उस जालिम को खड़े करके उसको एदाम कर दिया जाए वो उसको भी कत्ल कर दिया जाए तो आपको आपके दिल को जो है सकून हासिल अगर कोई माफ़ करने वाला है तो अजर अजीम है बहुत अच्छी बात है कि माफ़ करें लेकिन दिल को ठंडक इस चीज़ से बहरल ये एक हकीकत है तो मोमिन के दिलों में बल्कि हर उस मज़लूम के दिल में वो आस रह गई है कि कोई हो जो, जो जुलम मेरे साथ हुए हैं उसमें उन जालिमीन को किफर किरदार तक पहुंचा दे उनके ऊपर हद जारी कर ले तो यही सिलसिला जो है वो ख़ुद हज़ारत अहले बैत की जो तकलीफ़ है यानी ख़ुद सैद शहादा की शहादत और दूसरे मोमिन की शहादत जो कि बिला जुर्म खता वाक़ हुए हैं हर मोमिन के दिल में एक 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 आस है एक उम्मीद है चूँकि गम और दर्द जो सीने में है वो एक दिन ठंडे हो जाए तो हम इमाम के मुंतजर है कि वो आ जाए और इस सीनों में जो तकलीफ़ है उसको बाहर निकाल सके और वो उस वक्त हो सकेगा कि जब मनतखब में खून सैद शहदा आ सलासलाम तशरीफ़ लाए और उन तमाम जालिमीन को जिन्होंने किसी के ऊपर भी नबी के ऊपर जुल्म किया हो वसी के ऊपर या हो क्या हो किसी शख़्स के ऊपर मोमिन के ऊपर या अगर मोमिन नहीं भी है लेकिन मजलूम वाक्य हुआ है इन सब को अपने कैफर किरदार तक पहुँचाएँ और लकब हज़रत इमाम मेहदिया जल्ला तरजरीफ़ उन अलकाबात में से एक लकब मनत है कि जो इंतकाम लेने वाले हैं तो हर शख्स दुनिया का हर शख्स मस्तक है कि उसके ालिम को जिन्होंने उनके साथ जुल्म किया हुआ है वो अपने किफर करदार तक पहुँच जाए आया में मुहरम भी शुरू होने वाले हैं इन शोग्राम के नेक्स्ट एपिसोड में इन शाला गुफ्तु हमारी मुहरम अगर ज़िंदगी रही और तो इन हराम के वान से चूँकि सैद शहदलाम का एक गहरा रब्त है हजरत इमाम ज़मान आज शरीफ के अनवान से तो इन शाला बेह बेहतर तरीके से इस लकब मंतकम को आप लोगों के लिए इन वज़ाहत फ़रमाएंगे और बेहतर तरीके से लामा को दावत करके इस गुफ्तगु को बेहतर तरीके से आपके लिए वाज करेंगे आयाम मुहरम है यकीनन हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि हम ख़ुद महरम की तैयारी करें हसैनियात इमाम बारगा मसाजिद उन सब को आमादा करें कि कम अज़ कम उसमें आज़ादार सैद सैद सलाम को बरगुजार कर सकें और हज़रत इमाम ज़माना अजल्ह शरीफ़ के इंतज़ार का बेहतर तरीक़ा भी यही है कि हम जो है वो खलूसी नीयत के साथ उनके जद मज़लूम हज़रत इमाम हुसैन आलम की जिक्र को जिंदा करें उनकी चूँकि इसी को जिक्र करना एक है शार हुसैैनी की अया करना शायर दीन है यकीन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए और इन आयाम में बिलखसूस हमें हजरत ख़ुदा हजरत अव ज़माना जल्ला शरीफ के ूर के लिए कसरत से दुआ की भी ज़रूरत है बैन अलहरा मैन हम भी तमाम ममिन की नियाबत में यकीन नाइब ज्यार और दुआ गो तो होती हैं लेकिन साथ साथ में उनकी नियाबत में ये दुआ भी करते हैं अल्लाज वली कल फर्ज